हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम। हमने जो पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स क्लियर किए, क्या क्या होता है संपत्ति अंतरण अधिनियम, क्या होता है उसमें, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, कैसी होती है, सारे बेसिक चीज़ें हमने कवर की। आज के इस वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर अध्याय दो देखेंगे। अध्याय दो आज के जो ये वीडियो है इसमें आपके अध्याय दो के लगभग सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन हैं, धाराएं हैं, ये सभी के सभी आज हम एक बार में ख़त्म कर देंगे। देखिए, केवल इंपॉर्टेंट सेक्शन पे ही हम चर्चा करेंगे, उसमें देने के लिए आपके बहुत सारे हैं। देखिए, सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 53 तक है, लेकिन हम सारे सेक्शन पे चर्चा नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को देखेंगे। देखिए, जो हमारा चैप्टर 1 था यानी सेक्शन 1 था वो आपका प्रीलिमिनरी था, यानी आपकी प्राथमिक था। प्राथमिक वो चैप्टर का नाम ही है जिसमें आपका सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक दिया गया था, जिस पे हमने पिछले बार चर्चा किया है। ठीक, तो देखिए सेक्शन 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2 में थोड़ा याद रखिएगा, सेक्शन 2 में बताया गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई भी प्रावधान, संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई भी प्रावधान या प्रोविजन आपका मुस्लिम विधि यानी मोहम्मदन लॉ, मुस्लिम विधि को प्रभावित नहीं करेगा। यानी एक पर्टिकुलर एक जो है आपका ये मुस्लिम समुदाय, इसको एक टारगेट करके उसमें एक प्रावधान दिया गया है कि आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई भी प्रावधान या कोई भी एक्ट ये मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो होने वाले अंतरण है, मोहम्मदन लॉ के अंतर्गत होने वाले जो भी आपके ट्रांसफ़र है उसको वो प्रभावित नहीं करेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि मोहम्मदन लॉ में ये बताया गया है कि ये एक घर है, इस घर में चार भाई रहते हैं, एक ही घर में आपके चार भाई रहते हैं, तो मोहम्मदन लॉ के अनुसार अगर एक भाई अपनी इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो यह अपनी प्रॉपर्टी किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं बेचेगा। उसे यह प्रॉपर्टी बेचना है तो उसे अपने ही बाकी के तीन भाइयों के पास वह बेच सकता है। ठीक है, तो इतना हमको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कि ये जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये मुस्लिम विधि के अंतर्गत होने वाले अंतरण को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड है आपका सेक्शन 3 जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सेक्शन 3 में आपके अचल संपत्ति का नेगेटिव डेफिनेशन या कौन कौन सी आपकी संपत्ति अचल संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ये बताया गया है। ठीक, तो इतने में आपका सेक्शन 1 चैप्टर 1 आपका समाप्त, यानी अध्याय 1 समाप्त था। अध्याय दो जिसमें आपका सेक्शन 5 धारा 5 से लेकर के धारा 53 तक के आपके धाराएं सम्मिलित है इस चैप्टर 2 में। जो आपका चैप्टर 2 है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, इससे डील करता है। देखिए, इसके भी एक दो सेक्शन हमने पिछले वीडियो में देखे थे, लेकिन आपको एक बार में ये पूरा अध्याय दो कंप्लीट हो जाए करके कुछ सेक्शन पे मैं फिर से चर्चा करूंगा। जैसे आपका अध्याय 5 है, सॉरी, जैसे कि आपका ये जो सेक्शन 5 है यानी जो धारा 5 है, धारा 5 में क्या बताया गया है, जीवित व्यक्ति का डेफिनेशन बताया गया है। यानी आपको मैंने बताया था इंटर विवोस जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है यह केवल दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होने वाले अंतरण को ही कवर करता है। यानी दो लिविंग पर्सन के मध्य जो ट्रांसफर होंगे केवल उसे ही यह कवर करेगा। किसमें बताया गया है, आपके अध्याय 2 के धारा 5 में। ठीक, चैप्टर 2 सेक्शन 5। ये जो आपका जीवित व्यक्ति का जो डेफिनेशन है, जीवित व्यक्ति के डेफिनेशन में आपका दो लिविंग पर्सन भी होंगे या फिर आपके दो एसोसिएशन भी हो सकते हैं या फिर आपके दो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। ठीक, जीवित व्यक्ति के डेफिनेशन में जरूरी नहीं कि दो व्यक्ति ही होंगे, दो एसोसिएशन भी हो सकता है, संकाय हो सकते हैं, दो निकाय यानी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका जीवित व्यक्ति का डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 7 यानी धारा 7। धारा 7 में ये बताया गया है कि मतलब कौन होगा सक्षम अंतरण करने के लिए या प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने की एक प्रकार की इसमें योग्यता बताई गई है। हमने देखा था पिछले वीडियो में, अभी उस पर ज़्यादा विस्तार पे हम चर्चा नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए उसकी योग्यता क्या होती है।
ठीक, सक्षम व्यक्ति कौन है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। तो सक्षम व्यक्ति कौन था, दो कंडीशन बताया था मैंने, एक आपका मेजर पर्सन होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए। मेजर पर्सन इन द सेंस जो आपका 18 वर्ष यानी एडल्ट होगा, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा, और यदि उसमें अभिभावक वाला कंडीशन है यानी उसके लिए आपका कोई गार्जियन उसके लिए नियुक्त किया गया है, तो उस केस में आपका सक्षम व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु का माना जाएगा। ठीक, साउंड माइंड का मतलब, साउंड माइंड का मतलब आपका पागल नहीं होना चाहिए, मंदबुद्धि नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा जो चीज़ें हैं वो नहीं है, सेक्शन 9, सेक्शन 9 में बताया गया है आपका मौखिक अंतरण, ओरल ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर केवल लिखित दस्तावेजों के आधार पर होगा, ओरल यानी मौखिक आधार पर भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। ठीक, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, बस याद रखिएगा कि मौखिक अंतरण के बारे में किस धारा में बताया गया है, धारा 9 में बताया गया है। इसका भी एक कंडीशन है ये मौखिक अंतरण का, कि अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 100 रुपये से कम है, 100 रुपये से कम है किसी प्रॉपर्टी की कीमत, अगर कोई प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपये से कम है तो उसका मौखिक अंतरण किया जा सकता है, 100 रुपये से अधिक की कीमत वाली प्रॉपर्टी का लिखित अंतरण ही किया जाएगा। तो मौखिक अंतरण का जो कॉन्सेप्ट है ना, ओरल ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें बस एक छोटा सा चीज़ मेंशन है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी कीमत यदि 100 रुपये से कम है तभी इसका मौखिक अंतरण या ओरल ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि प्रॉपर्टी की कीमत आपकी 100 रुपये से ज़्यादा है तो जो उसका जो आपका ट्रांसफर है वो आपका लिखित आधार पर किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये अपन ये सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9 कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 10 देखिए, सेक्शन 10 के अंतर्गत क्या कहा गया है, अंतरण करने की शक्ति में पूर्ण प्रतिबंध। ठीक, अंतरण करने की शक्ति में पूर्ण प्रतिबंध, इसका मतलब क्या है, इसमें आपको ध्यान देना है पूर्ण प्रतिबंध पर। ठीक है, ये पूर्ण प्रतिबंध पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, अंतरण करने की शक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी जो ट्रांसफर करने की, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की जो जो आपका पावर दिया गया है उस पर कोई एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा दे। ठीक, इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए आपने कोई एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्जांपल से बताते रहो, देखिए ये जो आपका ए है, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के साथ साथ उसने एक कंडीशन भी लगा दी। ठीक, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के साथ उसने एक ऐसी कंडीशन लगा दी जो कि उसके इन फ्यूचर उसके जो ट्रांसफर करने की जो पावर है उसे वह एक लिमिटेड यानी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दे। कैसे, जैसे आपका ए प्रॉपर्टी बेचता है बी को, इस शर्त पर उसको प्रॉपर्टी बेचता है कि तुम आगे ये जो प्रॉपर्टी है किसी और को नहीं बेचोगे, या ये शर्त लगा देता है, इस शर्त पर वो बी को प्रॉपर्टी बेचता है कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, इन फ्यूचर तुम इस प्रॉपर्टी को 10,000 से ज़्यादा कीमत पर नहीं बेचोगे। ठीक, यानी ऐसे अगर ये कुछ करता है, ऐसे जब ये कुछ ये प्रतिबंध लगाता है तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, एक और एग्जांपल समझ लीजिए, यदि ए प्रॉपर्टी देता है बी को इस कंडीशन या इस शर्त पर कि तुम इस प्रॉपर्टी को अपने पूरी जिंदगी भर नहीं बेच सकते, मतलब कंडीशन समझ रहे हो कि ए ने बी को प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दिया लेकिन इससे मिलने वाला जो उसका लाभ है, उसकी जो शक्ति है, ट्रांसफरेबल जो प्रॉपर्टी है उसे वह प्रतिबंधित कर दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन पर जो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर जो हुआ है वो वैलिड होगा, यानी ए ने जो बी को जो ट्रांसफर किया है, शेयर किया है, जो प्रॉपर्टी उसे दिया है, ट्रांसफर किया है, वो वैलिड होगा, लेकिन इसमें जो कंडीशन लगाया है ये कंडीशन आपका शून्य हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या क्या होता है कई बार कि बहुत सारे दस्तावेज बने होते हैं, दस्तावेज को साइन करने से पहले कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से पढ़ता नहीं है। मान लीजिए उस दस्तावेज को बनाते समय कुछ ऐसे कंडीशन रख दिए गए हैं कि जो सामने वाला जो खरीदार है ना, जैसे यहाँ का खरीदार कौन है, आपका बी, वो क्या है, अगर उसने साइन कर दिया है जिसमें ये शर्त लिखा हुआ है कि मैं यह प्रॉपर्टी ए से खरीद रहा हूँ और इन फ्यूचर मैं इसे किसी और को नहीं बेचूंगा, या मैं इतने 10 लाख में खरीद रहा हूँ, इन फ्यूचर मैं
मैं इसे 10,000 में ही बेचूंगा। ऐसे टाइप का अगर कोई कंडीशन एक अनजाने में ही अगर बी ने साइन कर दिया है और इन फ्यूचर ये इसको जा करके कोर्ट पे इसे चुनौती देता है या केस करता है, तो उस कंडीशन में ये जो उसके सामने जो शर्त रखा था बेचने वाले प्रॉपर्टी ने जो शर्त रखा था वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। यानी प्रॉपर्टी तो बी की ही रहेगी लेकिन उसमें जो शर्त है उसे शून्य कर दिया जाएगा, मतलब उसे मानने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो सेक्शन नंबर 10 है वो यही बोलता है कि अंतरण करने की शक्ति में पूर्ण प्रतिबंध, यानी ट्रांसफर करने की यदि उसकी जो पावर है इन फ्यूचर में यदि वो किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो उसकी जो उसका जो पावर है उसे यदि छीन लेता है तो ऐसे किसी शर्त को शून्य कर दिया जाएगा। ट्रांसफर वैलिड होगा लेकिन जो उसका कंडीशन है वो शून्य होगा। जैसे मैंने यहां बताया पूरा का पूरा आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए तो इस कंडीशन में जो ट्रांसफर होगा ट्रांसफर आपका वैलिड होगा लेकिन ये जो कंडीशन उसने लगाया ये जीरो माना जाएगा। तो आपका सेक्शन 10 यही बताता है कि जो आपका अंतरण करने की शक्ति को यदि पूर्ण प्रतिबंधित करने वाला कोई शर्त है तो उसे आपका शून्य कर दिया जाएगा, जबकि जो अंतरण हुआ है वो आपका मान्य होगा। ठीक, इसमें भी दो अपवाद है। अपवाद कैसा, देखिए एक है आपका लीज, लीज मतलब पट्टा, और दूसरा है आपका मैरिड वुमन। लीज पट्टा में क्या होता है कि आपने किसी एक कंपनी को अपने जमीन पट्टा पर दिया है, अब पट्टा पर दिया है तो आप उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लीज में भी जो पट्टा दिया जाता है पट्टा में भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है लेकिन आप उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। देखिए सेक्शन 10 क्या बोल रहा है कि आप उसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक, लेकिन दो अपवाद है, एक है आपका लीज यानी पट्टा और दूसरा है मैरिड वुमेन। लीज में आप क्या बोल सकते हैं, उसमें आप ये शर्त मेंशन कर सकते हैं कि आप मेरी भूमि, मैं आपको अपनी भूमि पट्टे पे दे रहा हूं लेकिन आप उस भूमि पर किसी भी प्रकार का बिल्डिंग नहीं बना सकते। ठीक, जैसे कि ये वाला कंडीशन है, जैसे समझ लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और बोला कि मैं तुझे यह जमीन दे रहा हूं लेकिन तू इस जमीन पर कोई किसी प्रकार का अपना मकान खड़ा नहीं कर सकता, यानी बी को उस प्रॉपर्टी की यूज करने उससे मिलने वाले लाभ से उसे वो हटा रहा है, उसका वो पावर छीन रहा है। तो ये क्या है, सेक्शन 10 कवर करता है। लेकिन वहीं उसका अपवाद है आपका लीज या पट्टा। पट्टा में आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, सशर्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। पट्टा में आप यह मेंशन कर सकते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी या आपको ट्रांसफर कर रहा हूं एज अ लीज, लीज यानी पट्टे पे, लेकिन आप मेरी इस भूमि पर किसी प्रकार का मकान नहीं बना सकते। तो ये जो कंडीशन इसमें लगेगा वो आपके सेक्शन 10 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अलग से मेंशन किया गया लीज यानी पट्टा। सेकेंड, मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन के केस में भी ऐसा होगा कि अगर कोई विवाहित महिला को यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है तो वो अपने विवाहित जीवन काल के दौरान अपना प्रॉपर्टी नहीं किसी और को ट्रांसफर कर सकती, यानी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती। देखिए कोई भी विवाहित महिला के सामने यदि यह शर्त रखा गया है कि अपने विवाहित जीवन काल में वह किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती तो यह भी आपका धारा 10 सेक्शन 10 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसमें भी मैरिड वुमेन वाले केस में भी मैरिड वुमेन में कौन नहीं होना चाहिए, देखिए थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है समझिएगा। मैरिड वुमेन मेंशन किया जरूर गया है लेकिन मैरिड वुमेन में कौन कौन से कास्ट, कौन कौन से धर्म की महिलाएं, कौन कौन से रिलीजन की महिलाएं शामिल नहीं की गई है। मैरिड वुमेन के अंतर्गत ना ही आपकी हिंदू धर्म की महिला होनी चाहिए, ना ही आपकी मुस्लिम धर्म की महिला होनी चाहिए और ना ही आपके बौद्ध धर्म की महिला होनी चाहिए। तीन रिलीजन इसमें अलग से मेंशन किया गया है। ये जो मैरिड वुमेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैरिड वुमेन में ये कहा गया है कि कोई भी विवाहित महिला के सामने ऐसा शर्त रखा गया है कि वह अपने विवाहित जीवन काल में अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती तो ये भी आपका वैलिड होगा इस सेक्शन 10 के अंतर्गत। लेकिन इसमें दिए गए विवाहित महिला के डेफिनेशन या परिभाषा में विवाहित महिला न तो हिंदू होगी, न तो मुस्लिम होगी और न ही बौद्ध धर्म से संबंधित होगी। ये तीन धर्म की महिलाओं को इस आपके मैरिड वुमेन के कॉन्सेप्ट से हटाया गया है। ठीक, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है समझते चलिएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 13। सेक्शन 13 इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सेक्शन 13 में हमने क्या देखा था, अजात व्यक्ति के फेवर में होने वाला जो ट्रांसफर है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर किया जाता है उसके बारे में हमने देखा था। ठीक,
इसमें क्या है कि सेक्शन आपका जो इसमें बताया गया है सेक्शन 5 में कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है, लेकिन सेक्शन 10 में ये कहा गया है कि अजात व्यक्ति यानी अजन्मा व्यक्ति जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है यानी अभी दो लिविंग पर्सन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक अजन्मे बच्चे को कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। इस कंडीशन में क्या है एक ट्रस्ट नियुक्त किया जाएगा, ट्रस्ट यहाँ पे ट्रस्ट कौन होगी, ट्रस्ट होगी उसकी माँ, ठीक, मतलब उसकी माँ को प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या है उसकी माँ को एक ट्रस्ट नियुक्त किया जा रहा है, कब तक, जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, ठीक। तो इस पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इसको भी अभी नहीं बताऊंगा, बस याद रखिएगा कि सेक्शन 30 अजन्मे बच्चे के लिए होने वाले ट्रांसफर को बताता है या उसको उसे कवर करता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 19, देखिए सेक्शन 19 और सेक्शन 21 दोनों रिलेटेड है, इसे समझते चलिएगा। एक है आपका सेक्शन 19 जो है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब निहित हित, और दूसरा है आपका सेक्शन 21 जो है आपका कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट यानी समाश्रित हित, ये क्या होता है इसे समझिए। एक है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट निहित हित, दूसरा है आपका कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट यानी समाश्रित हित। देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट एग्जांपल समझिएगा, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है इस शर्त पर कि यह इस प्रॉपर्टी का अपने जिंदगी भर उपयोग करने के बाद इसे ट्रांसफर कर देगा सी को, ठीक। ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को इस शर्त पर कि बी अपने पूरी जिंदगी लाइफ अपनी पूरी जिंदगी भर इसका उपयोग करने के बाद इसे ट्रांसफर कर देगा सी को, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो बी है बी के पास प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी का जो वैलिड या प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप आपके बी के पास नहीं है, प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो चली गई है आपके सी के पास एट द एंड। इसे और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा लेकिन इसको समझना। इसमें देखिए इसमें कंडीशन लगाया गया है कि ये जो है ए की प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर होगी बी के थ्रू, जबकि जब तक बी जीवित है, बी जब तक जीवित है तब तक यह प्रॉपर्टी सी के पास नहीं जा सकती, ठीक। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जो देखिए ये इनडायरेक्टली ये ट्रांसफर किसको कर रहा है, सी को ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, प्रॉपर्टी ए ने किसको ट्रांसफर करी है, प्रॉपर्टी ए ने सी को ट्रांसफर करी है, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट आ गया है बी। इसको और एक एग्जांपल समझाऊंगा उसको समझ लेना, लेकिन फिलहाल इसको समझिए, ए ने इस कंडीशन पर प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर करी कि ये प्रॉपर्टी का जो उसको स्वामित्व है या जो ओनरशिप है ये इसको बी के रहती नहीं मिलेगा, यानी बी के जीवन काल के पश्चात ही इस प्रॉपर्टी का निहित स्वार्थ या निहित हित ट्रांसफर होगा आपके सी को। देखिए ए के तरफ से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई है आपके सी को, यानी ए का काम खत्म, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, दस्तावेजों में शो हो गया है कि प्रॉपर्टी है आपकी सी की, लेकिन उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ का उपयोग निहित हित बोलिए या स्वार्थ बोलिए, स्वार्थ का मतलब क्या समझते हैं हम हिंदी में, स्वार्थ का मतलब होता है स्वयं का, स्वयं के लिए जो हम करते हैं स्वयं के लिए, यानी प्रॉपर्टी सी के नाम पे ट्रांसफर तो हो गई है लेकिन उस प्रॉपर्टी को वह अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं कर सकता, कब तक नहीं कर सकता, जब तक आपका बी का जिंदा है, बी का जीवन काल है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब आपका यह सब ट्रांसफर किया गया तो उसमें क्लियरली ए ने मेंशन कर दिया है कि यह प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर होगी बी के जीवन काल के पश्चात, यानी जब बी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ही यह प्रॉपर्टी आपका सी उपयोग कर सकेगा, उसका निहित लाभ उठा सकेगा, ठीक। निहित लाभ का कॉन्सेप्ट यह है, और एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए यह ए है, यह आपका ए है, ये आपका एक बैंक है,
और ये आपका सी ए का पुत्र है, ठीक। अब ये जो ए है ये आपका कर्ज से डूबा हुआ है, काफ़ी इसने कर्ज लेकर रखा है, कर्ज से डूबा हुआ है। अब ये अपनी प्रॉपर्टी जो है बैंक को दे रहा है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका मॉर्गेज का है, लेकिन मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक। कर्ज बैंक से कर्ज लिया था, अब ये अपनी प्रॉपर्टी बैंक को ट्रांसफ़र कर रहा है इस शर्त पर कि इसकी प्रॉपर्टी से होने वाला जो लाभ है, इसकी प्रॉपर्टी से होने वाले लाभ से यह अपना कर्ज चुकाएगा। मतलब बैंक पहले इसका जो कर्ज है कर्ज को वसूलेगा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा सी को, समझ रहे। यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, बैंक बन रहा है, जिसमें ए ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। देखिए स्वामित्व किसका है, स्वामित्व एट द एंड सी का है, लेकिन सी जब तक ये आपका कर्ज वसूल नहीं हो जाता तब तक इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो इस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है कि देखिए यदि ऐसा कोई कंडीशन रखा गया, कंडीशन यानी सर्टेन इवेंट, पहली बात ये समझिएगा क्या बता रहा है इसमें, सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी घटना जो घटित होगी ही, ऐसी कोई घटना इसमें मेंशन नहीं किया जाएगा जो घटित नहीं होगी, ऐसी घटनाएं जो घटित होगी ही। देखिए कभी ना कभी आपका कर्ज वसूल करके बैंक का पूरा हो जाएगा, जिसके बाद वो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर देगा, ठीक। कभी ना कभी तो आपका बी मरेगा ही, आपका ये जो मृत्यु है, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, ये आपकी सर्टेन इवेंट है, ठीक। तो ऐसे यदि कंडीशन होते हैं जिसमें, देखिए निहित हित का मतलब समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी उसकी है लेकिन एट प्रेजेंट वो उस प्रॉपर्टी का लाभ नहीं उठा पा रहा है, जैसे ये कंडीशन में, इस कंडीशन में ए ने प्रॉपर्टी सी के नाम पर ट्रांसफर तो कर दी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का वो लाभ कब तक नहीं उठा सकता, जब तक आपका बी का जीवन काल है, यानी जब तक बी जीवित है प्रॉपर्टी उसको डेफिनेटली ट्रांसफर होगी। क्यों, क्योंकि सर्टेन इवेंट क्या मेंशन किया गया है, सर्टेन इवेंट, ऐसी घटनाएं जो होनी ही है, जन्म हुआ है तो होगा ही, कर्ज लिया है तो कर्ज कभी ना कभी पूरा दे करके होगा ही, ठीक। जैसे इस कंडीशन में है, ए ने कर्ज लिया, प्रॉपर्टी ए का वारिस कौन है, सी है, तो उसने कुछ समय के लिए बैंक को दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी इस शर्त पर कि इसके प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ से बैंक अपना कर्ज वसूल लेगी, उसके बाद ये प्रॉपर्टी दे देगी सी को। प्रॉपर्टी दे देगी सी को तभी प्रॉपर्टी को, जैसे सी है बाय चांस उससे लाभ कमाना चाहता है तो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देगा या किसी और को बेच देगा, लेकिन जब तक इसमें कर्ज वसूल करके नहीं होगा तब तक सी इसको बेच सकता है क्या, नहीं बेच सकता। तो ये जो आपका सेक्शन 19 है ये आपके निहित स्वार्थ के बारे में बताता है। निहित स्वार्थ मतलब प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफर तो हो जाती है, प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफर तो हो जाती है लेकिन पजेशन ट्रांसफर नहीं होता। पजेशन का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, पजेशन मतलब स्वयं के पास। उसमें प्रॉपर्टी, देखिए दस्तावेजों में प्रॉपर्टी सी के नाम पर जरूर है लेकिन अभी प्रॉपर्टी है क्या इसके पास, पजेशन इसके पास नहीं है। पजेशन किसके पास है, पजेशन है आपके बी के पास। जैसे ही आपका बी का जीवन काल पूर्ण होगा पजेशन चले जाएगा आपके सी के पास। देखिए इसी में दिया गया है आपका सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट घटित होगी तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर माना जाएगा और उसमें वैलिड इंटरेस्ट ऐड होगा, ठीक। जैसे बी का जीवन काल पूर्ण हो गया, बी का जीवन काल पूर्ण होगा तभी आपका ट्रांसफर, ट्रांसफर तो पहले ही हो गया है आपका, ट्रांसफर वैलिड हो गया, लेकिन उसका जो निहित हित है या जो वैलिड इंटरेस्ट है वो भी आपका ऐड होगा, कब, सर्टेन इवेंट घटित होने के बाद। और थोड़ा समझ लीजिए इसको, इसमें सर्टेन इवेंट के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, विथाउट स्पेसिफाइंग टाइम, विथाउट स्पेसिफाइंग टाइम और विथ स्पेसिफाइंग टाइम, दो कंडीशन है, विथाउट स्पेसिफाइंग टाइम, विथ स्पेसिफाइंग टाइम, ठीक। विथाउट स्पेसिफाइंग टाइम मतलब कितने समय बाद होगा, देखिए विथाउट स्पेसिफाइंग, जैसे इसमें विथाउट स्पेसिफाइंग टाइम का मतलब समझ लीजिए मृत्यु, मृत्यु जो है या कोई व्यक्ति मरेगा वो सर्टेन इवेंट ही है, यानी पैदा हुआ है तो कभी ना कभी मरेगा ही, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कब मरेगा, ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या कहा गया है, विथाउट
स्पेसिफाइंग टाइम, यानी मृत्यु तो आनी ही है लेकिन कब आएगी इसके टाइम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो ये कंडीशन भी वैलिड है। दूसरा विथ स्पेसिफाइंग टाइम, विथ स्पेसिफाइंग टाइम मतलब आप एक टाइम का अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए ने अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी, लेकिन ये सी के पास ये प्रॉपर्टी कब आएगी, जब सी आपका 18 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, अभी ये प्रॉपर्टी आपके, ए अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करता है कब, जब आपका सी 18 वर्ष का हो जाए, यानी 18 वर्ष है टाइम स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक, इसके अलावा ये आपका ये उधार या कर्ज वाला, जैसे कि इसमें कई बार होता है कि किसी ने 15 साल के लिए उधार ले रखा है, किसी ने 20 साल के लिए उधार ले रखा है, तो बैंक उसको 15 साल 20 साल तक के लिए रख करके उसका जो है कर्ज, जो उसका कर्ज वसूल सकती है। तो ठीक है, ये वही है विथ स्पेसिफाइंग टाइम और ये है विदाउट स्पेसिफाइंग टाइम। नेक्स्ट, अब कई लोग के दिमाग में ये भी आएगा कि मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करी इस शर्त पर कि यह इस प्रॉपर्टी को पूरे के पूरे जीवन काल में यूज़ करने के पश्चात इसे अंत में ट्रांसफ़र कर देगा किसे, सी को। ठीक, लेकिन कंडीशन ये भी होता है कि बी के जीवित रहते या बी के जीवन काल से पहले ही यदि आपकी सी की मृत्यु हो जाए, मान लीजिए कंडीशन क्या है कि ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करता है इस शर्त पर कि बी अपने जीवन काल के पश्चात यह प्रॉपर्टी दे देगा सी को। ठीक, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बी के जीवन काल के दौरान ही आपका सी पहले मर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी चले जाएगी इसके वारिस को, वारिस रिप्रेजेंटेटिव या फिर आप कह सकते हैं जो एक नॉमिनी, ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में आपका नॉमिनी। ठीक, यानी अगर इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि सी की मृत्यु हो गई तो प्रॉपर्टी आपके बी के पास ही रह जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें यदि सी की मृत्यु पहले हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी इसके रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, रिप्रेजेंटेटिव वारिस या नॉमिनी को। यही चीज़ आपका आगे बताया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपका ट्रांसफरेबल भी है, ट्रांसफरेबल भी है और आपका हेरिटेबल भी है। हेरिटेबल मतलब विरासत में भी दिया जा सकता है, विरासत यानी सी मृत्यु हो गई तो प्रॉपर्टी किसके पास जा रहा है, उसके वारिस के पास, तो वही आपका हेरिटेबल। ट्रांसफरेबल यानी सी की प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जा रही है, ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर हो जा रही है उसके पुत्र को या उसके वारिस को। तो यही कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफरेबल भी है और हेरिटेबल भी है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 90 से ही, यहाँ पे देखिए मैंने बताया सेक्शन 90 से ही रिलेटेड है आपका सेक्शन 20। सेक्शन 20 में क्या कहा गया है, आपके अजन्मे व्यक्ति का निहित हित, अजन्मे व्यक्ति का निहित हित। ठीक, ये क्या है इसे समझिएगा, सेक्शन 90 आपका वेस्टेड इंटरेस्ट बता रहा है यानी निहित हित के बारे में बता रहा है, लेकिन हमने एक केस और पढ़ा था, कौन सा, अजन्मे बच्चे का। ठीक, ये तो दो जीवित व्यक्तियों के मध्य का निहित हित बता रहा है, लेकिन अजन्मे बच्चे का निहित हित वेस्टेड इंटरेस्ट कब ऐड होगा, कब ऐड होगा, जब ये एक व्यक्ति है अपनी संपत्ति अपने पत्नी के नाम पर कर रहा है इस शर्त पर कि जैसे ही उसका कोई संतान, देखिए संतान पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है, उसमें एक टर्म यूज किया गया संतान, उसका जब कोई एक संतान होगा तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। हमने देखिए ये जो मैंने बताया था ये वाला कि एक ट्रस्ट नियुक्त किया जाता है, ट्रस्ट नियुक्त किया जाता है यानी ये जो अपनी पत्नी को ये ट्रस्ट बना रहा है कि उसके पुत्र के जन्म लेते तक प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, लेकिन जैसे ही उसका पुत्र जन्म लेगा तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। तो देखिए जो ट्रस्ट नियुक्त कर रहा है ये है आपका सेक्शन 13। धारा 13 में बताया गया है ट्रस्ट नियुक्त यानी जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है वो दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। ठीक, तो जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है और यदि वह व्यक्ति ने अभी तक जन्म लिया ही नहीं है तो उस कंडीशन में क्या है, एक ट्रस्ट नियुक्त करना पड़ेगा जो बाद में उसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देगा। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो ट्रस्ट नियुक्त किया गया है ये आपका सेक्शन 13 है, और जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया ये है आपका सेक्शन 20। ठीक, जैसे ही उसके पुत्र ने जन्म लिया उसका प्रॉपर्टी पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा उसके पुत्र के नाम। ठीक, यानी निहित हित ऐड हो जाएगा।
देखिए बाद में वो उसका इंजॉय कर पाएगा, यानी उस प्रॉपर्टी का लाभ उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, वयस्क होने की कंडीशन में उठाएगा, ये दूसरा केस है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो सेक्शन 13 है जिसमें उसने अपनी पत्नी को ट्रस्ट नियुक्त किया, क्यों ट्रस्ट नियुक्त किया, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पहले से ही मेंशन कर दिया गया है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होगा, यानी जो बच्चा अभी तक धरती पर आया ही नहीं है उसके नाम पर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो उस कंडीशन पर सेक्शन 13 यह कहता है कि आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ट्रस्ट नियुक्त करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट किसे नियुक्त किया गया है, उस बच्चे की मां को, ठीक। तो ये है आपका सेक्शन 13 में आपका उसका एक ट्रस्ट नियुक्त किया गया है, लेकिन वह बच्चा जो पैदा होने वाला है उसे इसका निहित हित यानी निहित स्वार्थ उसे कब मिलेगा, उससे होने वाला लाभ उसे कब मिलेगा, जैसे ही वह बच्चा जन्म लेगा, जैसे ही वह बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद से उस बच्चे को उसका निहित हित मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अजात व्यक्ति के नाम या अजन्मे व्यक्ति के नाम पर किया जा सकता है एक ट्रस्ट के माध्यम से। किस सेक्शन में दिया गया, सेक्शन 13। उसका निहित हित, अजन्मे बच्चे का निहित हित कब उससे जुड़ जाएगा, जैसे ही वह बच्चा जन्म लेगा, पैदा होगा, उसके बाद ही उसका निहित हित यानी वेस्टेड इंटरेस्ट उससे जुड़ जाएगा। ये किस में मेंशन है, सेक्शन 20 में। देखिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, मैं भी इससे फैमिलियर नहीं हूँ, क्या है कि ये सारी चीज़ें मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, समझने में इसके इजी मेथड में इसके थोड़े एग्जांपल ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, हो सकता है कि बताने में मेरे से थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये आपके लॉ के टॉपिक्स है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है बोलने में यदि कुछ गड़बड़ी होगा तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके आपको चीज़ें आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। देखिए वीडियो के लिए हड़बड़ाइए मत, वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये चीज़ें ऐसी है कि जिससे मैंने पहले आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। कोई भी वीडियो बनाने से पहले, इस टॉपिक के कोई भी वीडियो बनाने से पहले मेरे को खुद उस चीज़ों को समझना पड़ता है, समझने के बाद उसके एक एग्जांपल क्रिएट करने पड़ते हैं, एग्जांपल क्रिएट करने के बाद बोर्ड पे लिखना है, उसके बाद रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो आप में से बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसका थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए, मानता हूँ वीडियो अपलोड जल्दी करना चाहिए क्योंकि पिछला पढ़ा हुआ चीज़ें याद नहीं रहता, लेकिन क्या है कि इतने सारे चीज़ों को क्या है माइंड पे बैठाना, एग्जांपल समझना, आपके पास भी होगा बुक आपके पास, आपने मार्केट से कोई ना कोई बुक लिया होगा, लेकिन उसमें ये सब एग्जांपल नहीं है, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है आप उसको कितना भी याद करें, मानता हूं कि आप चीज़ों को रट सकते हैं, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है ना उसे आप किसी कंडीशन पर रट नहीं सकते, ठीक। तो उसे क्या है इस एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश कीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है विथाउट स्पेसिफाइंग टाइम, उसको हिंदी में जो उसमें टर्म यूज़ किया गया काफ़ी कठिन है, ठीक। तो ये चीज़ के लिए मत हड़बड़ाइएगा कि वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है, मैं इससे फैमिलियर नहीं हूँ, इस सब्जेक्ट को मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, पहले मुझे भी पढ़ने दीजिए, पढ़ के समझने दीजिए, इसके एग्जांपल क्रिएट करने दीजिए, मैं समझ पाऊँगा तभी आप लोगों को समझा पाऊँगा, या तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं आधा समझा हूँ और आप लोग को मैं आधा बता रहा हूँ, तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। मेरे को पूरा समझने दीजिए, फिर मैं जो समझाऊंगा फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं, ठीक। ये हो गया आपका सेक्शन 19। अब देखिए सेक्शन 21, सेक्शन 21 जिसमें आपका बताया गया है अनसर्टेन इवेंट। देखिए सेक्शन 19 में क्या बताया गया था, सर्टेन इवेंट, सेक्शन 21 में बताया गया है आपका अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट मतलब समाश्रित, समाश्रित बोलिए या मिक्स्ड इवेंट बोलिए, ठीक। इसमें कॉन्सेप्ट चलता है आपका इफ देन का, इफ देन का। देखिए इसमें क्या है, सर्टेन इवेंट यानी वह घटना घटित होगी ही, अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट में इफ देन का कॉन्सेप्ट चलता है, या तो घटना घटित होगी या तो घटना घटित नहीं होगी, ठीक। ये क्या है इसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा रामायण से, रामायण का एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं, जैसे जनक, ये हो गई आपकी माता सीता, ये हो गए भगवान राम, ठीक। तो ये जनक है वो भगवान राम के सामने यह शर्त रखते हैं कि मैं आपको अपनी यह प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दे दूंगा, प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट दे दूंगा यदि तुम शादी करो सीता से, ठीक। जनक
शर्त रखते हैं कि जनक राम सीता कौन है, इतना तो मालूम ही होगा ना, रामायण तो सभी देखे होंगे। तो जनक जो है, जनक यह शर्त रखते हैं भगवान राम के सामने कि मैं तुम्हें अपनी यह प्रॉपर्टी दे दूंगा। देखिए ये स्टोरी रामायण की नहीं है, लेकिन समझने में पहले ऐसा ही होता था। पहले क्या होता था कि कोई राजा महाराजा जो है अपने बेटी का शादी करता था, कि कोई भी जैसे उसकी इकलौती बेटी है तो वो शर्त रखता था कि जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा मैं उसे अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दे दूंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट होता था। तो वैसे ही एक एग्जांपल समझ के चलिए, जनक समझ लीजिए या कोई राजा महाराजा की कहानी समझ लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा यदि तुम मेरी पुत्री से शादी कर लो, ऐसा होता था, अभी भी होता है। तो वही एक एग्जांपल है कि जनक ने जो भगवान राम के सामने एक शर्त रखा कि यह प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे दूंगा यदि तुम शादी कर लो किससे, सीता से, ठीक। तो अब राम इसमें सोच सकते हैं, ठीक, क्या सोच सकते हैं, यदि वह शादी कर लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि उसमें कंडीशन रखा गया है। लेकिन यदि ये शादी नहीं करते हैं तो प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। यानी क्या है, घटना घटित होगी तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, घटना घटित नहीं होगी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। इसे कहा गया है अनसर्टेन इवेंट। देखिए इसमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना या ना होना उस सर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट कि जो आपके जनक ने भगवान राम के सामने ये रखा कि यदि तुम मेरी पुत्री से शादी कर लोगे तो तुम्हें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, यदि शादी नहीं कर पाए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। तो भगवान राम के सामने दो ऑप्शन है, या तो वो शादी कर ले या ना करे। शादी करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। इन केस जैसे, ठीक, ये जो है जिनसे शादी होने वाला है, मान लीजिए शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, यानी ये जो लड़की है, ठीक, ये जो लड़की है इसकी मान लो मृत्यु हो गई शादी से पहले ही, तो ये जो भी आपके ट्रांसफर है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लैप्स हो जाएगा, यानी वो ट्रांसफर वहीं पे समाप्त हो जाएगा, प्रॉपर्टी राम के पास जा ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंडीशन रखा गया था उसकी तो ऑलरेडी मृत्यु हो गई है। तो यही बताता है आपका कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट या अनसर्टेन इवेंट वाला इंटरेस्ट। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिए आप लोग को आपके लैंग्वेज में ही समझाता हूँ। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी काफ़ी फैला हुआ है, मान लीजिए आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, लड़की के बाप के पास गए, उससे कहा कि मुझे आपकी लड़की से शादी करना है। लड़की के पिता ने एक शर्त रखी, देखिए यहाँ पे लड़की कोई चल संपत्ति नहीं है ना ही कोई अचल संपत्ति है, एक एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ। आप गए लड़की के पिता के पास, आपने कहा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो लड़की के पिता ने शर्त रखा कि या तो तुम जॉब लेकर के आओ, तुम्हें जॉब लगेगी तो लड़की को एक संपत्ति समझ के चलिए, तुम्हें जॉब लगेगी तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, जॉब नहीं लगेगी तो प्रॉपर्टी नहीं होगी। देखिए लड़की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ बस। लड़की के पिता ने यह शर्त रखी कि यदि तुम्हें जॉब मिलती है तो लड़की यानी वो प्रॉपर्टी तुम्हारी, जॉब नहीं मिली तो प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं हो पाएगी, ठीक। इससे याद रखेंगे तो आपको मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक सर्टेन इवेंट जो घटित होगी उसके बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, यदि वह सर्टेन इवेंट घटित नहीं हुई तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल बता देता हूँ जो अक्सर आपके फैमिली में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता होगा। देखिए मान लीजिए दो भाई है, ठीक, दो भाई है, इसको यहीं बता देता हूँ। देखिए ये जो है आपका एक राम, है एक श्याम है, ये दो भाई है, ठीक, इसकी एक संतान है, ठीक, और इसकी कोई संतान नहीं है, ठीक है। राम श्याम दो भाई है जिसमें से एक की संतान है, यानी इसका वारिस है आगे, इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के लिए। अभी ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी जो इसकी इनकी जो पैतृक संपत्ति है, इस पे दोनों का अधिकार है, राम का भी अधिकार है, श्याम का भी अधिकार है, ठीक। लेकिन अब ये राम की मृत्यु के बाद ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, श्याम के पास, ठीक। श्याम की मृत्यु के बाद ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, आगे तो कोई वारिस है ही नहीं, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली किसके पास जाएगी, राम के पास। देखिए यानी अभी समझ लीजिए श्याम की अभी अभी शादी हुई है और इसका कोई वारिस है ही नहीं, ठीक।
तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, अब ये भी शादी हुई है, ठीक है, शादी हुई है तो इसके संतान हो भी सकते हैं या फिर इसके संतान नहीं भी हो सकते, ठीक, ये सर्टेन इवेंट है, सॉरी अनसर्टेन इवेंट है। यदि इसके संतान हुए तो ये प्रॉपर्टी राम के पास नहीं जाएगी, यदि इसकी संतान नहीं हुए तो ये प्रॉपर्टी चले जाएगी राम के पास, ऐसा अक्सर परिवार में आप लोगों को देखने के लिए मिलता ही होगा, ठीक। तो ये वही है कि अगर संतान हुआ तो ये प्रॉपर्टी आपके श्याम के वारिस के पास चले जाएगी, यदि संतान नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली राम के पास चले जाएगी। ये भी अनसर्टेन इवेंट है, ये अक्सर देखने के लिए आपको कई जगह मिलता होगा, या प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं और ये शर्त रख दे रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी जब तुम मुझे 5 करोड़ रुपए लाके दो। अब या तो वो 5 करोड़ लाके देगा तब प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, या नहीं लाके दिया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका सर्टेन और अनसर्टेन इवेंट। देखिए अनसर्टेन इवेंट जिसमें कंडीशन रखा जाता है, जैसे शादी वाला कंडीशन हो गया, या जो जिसमें हम लड़की को प्रॉपर्टी समझ के चल रहे थे, है ना, तो उसमें जॉब वाला कंडीशन हो गया, तो यदि कंडीशन आपका फुलफिल हुआ, कंडीशन यदि फुलफिल हुआ तो आपका जो है इसमें इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक। कंडीशन यदि फुलफिल हुआ तो उसके साथ साथ वो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, यानी जैसे उसने, मान लीजिए जनक ने शर्त रखा भगवान राम के सामने कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो प्रॉपर्टी तुम्हारी, प्रॉपर्टी भी तुम्हारी, उससे मिलने वाला लाभ यानी हित भी तुम्हारा। हित कैसा है? अनसर्टेन है, यानी डिपेंड कर रहा है राम के ऊपर। यदि राम ने मान गए और शादी कर ली तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, और उसका जो मिलने वाला जो हित है, है ना, समाश्रित हित है, या आपका कॉन्टिंजेंट हित है, आपका वो है इंटरेस्ट है, वो भी ऐड हो गया। लेकिन यदि भगवान राम ने शादी नहीं करी सीता से तो वो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट वहीं समाप्त हो गया, ट्रांसफर भी वहीं समाप्त हो गया। तो वही है, यदि कंडीशन फुलफिल हुआ तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, यदि कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट इन द सेंस, भगवान राम ने शादी कर ली, प्रॉपर्टी भगवान राम के नाम पे चली गई, अब भगवान राम चाहे तो इस प्रॉपर्टी को किसी और को आगे दे सकते हैं। इंटरेस्ट मतलब उससे मिलने वाला लाभ, प्रॉपर्टी को आगे बेच भी सकते हैं या प्रॉपर्टी को आगे किसी रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी किराए पे भी चढ़ा सकते हैं। तो ये होता है आपका इंटरेस्ट या लाभ, ठीक। कंडीशन फुलफिल हुई तभी इंटरेस्ट मिलेगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है कि नहीं, प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है, ठीक। जैसे भगवान राम ने, समझ लीजिए सीता से, अब यहाँ मैं भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ूंगा, इसे किसी रिलीजियस से रिलेट मत कीजिएगा। मान लीजिए राम ने सीता से शादी कर ली और कुछ समय पश्चात आपके राम की ही मृत्यु हो गई शादी के पश्चात, ठीक है, राम सीता ने विवाह कर लिया, उनकी एक संतान हुई और कुछ समय पश्चात जो है राम की मृत्यु हो गई, तो राम की मृत्यु के पश्चात वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा उसके वारिस को, ठीक। उसके बाद है आपका हेरिटेबल, हेरिटेबल मतलब देखिए वारिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, विरासत में मिलेगा, विरासत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंड कैसे करेगा, जैसे कि ये एक कॉन्सेप्ट है आपके भगवान राम वाला, अगर बाय चांस डेथ हो गया तो मिलेगा किसको, उनके वारिस को। दूसरा एग्जांपल हमने ये देखा था, या तो प्रॉपर्टी इसके वारिस को मिलेगी, ठीक, लेकिन यदि इसकी कोई संतान ही नहीं है तो किसको मिलेगी, उसके भाई को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो हेरिटेबल वाला जो कंडीशन है इसमें ये डिपेंडेंट रहता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक। तो ये सारे के सारे एग्जांपल है, तो हो सकता है कि थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ये ऐसे ही है। अब इस एग्जांपल को समझने के बाद आप जो धाराएं दी गई है उसको पढ़ेंगे तो शायद आप लोग को पढ़ने या समझने में आसानी होगी, ठीक। ये सेक्शन 14 है, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। देखिए सेक्शन 19 और 21 हो गया। सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर यानी सशर्त अंतरण। अब आप लोग बोलेंगे अभी तक तो हम लोग कंडीशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक। अभी तक जो हम लोग पढ़े, जैसे कि आपका ये है अजात व्यक्ति का, उसके वाला सेक्शन 19 निहित हित, 21 इंटरेस्ट, इसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका जो है कंडीशन के ऊपर होने वाले ट्रांसफर ही पड़ रहे हैं। लेकिन सेक्शन 25 क्या है, सेक्शन 25 भी आपका कंडीशनल ट्रांसफर है, सशर्त अंतरण है, लेकिन इसमें कंडीशनल ट्रांसफर का डेफिनेशन नहीं बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस कंडीशन, सॉरी ऐसे कौन से, जैसे जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसमें यदि कोई ऐसा कंडीशन रखा गया जिसके कारण, देखिए कुछ ये जो आपके कंडीशन मेंशन है,
अगर इनमें से कुछ चीज़ें हो रही है तो ये जो जो आपका कंडीशन लगाया है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, वो वहीं पे फेल हो जाएगा या उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, यानी जैसे वही आपका निगेटिव डेफिनेशन दिया गया, यही समझ के चलिए, यानी हम तो अभी तक आपके पूरे के पूरे कंडीशन ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि ये इतने सारे कंडीशन अगर कहीं पर भी मेंशन है तो उसे वहीं पे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर मान्य होगा। बताता हूं, समझिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब जैसे एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया इस शर्त पर कि तुम एक घंटे में 100 मील चलो। एक घंटे में 100 मील चलना है, देखिए एक घंटे में 100 मील चलना है, 100 मील समझ रहे, एक एग्जांपल समझ लीजिए 100 किलोमीटर एक घंटे में। अब ये मत बोलिएगा कि एक मील में इतने किलोमीटर होते हैं, मील मत समझिए, उसे किलोमीटर समझ लीजिए। ए बी के सामने ये शर्त रखता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी यदि तुम एक घंटे में 100 किलोमीटर चल जाओ। ठीक, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता इसको। या ये बोल देगा कि आप ऐसा करो कि छत से छलांग लगा दो, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, ये भी इम्पॉसिबल इवेंट है, नहीं कर सकते इसको आप। ठीक, तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हुआ है वो वैलिड होगा, लेकिन उसमें जो कंडीशन है वो वॉइड हो जाएगी, यानी उसे अमान्य या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका फॉरबिडन बाय द लॉ। फॉरबिडन बाय द लॉ का मतलब ऐसे कुछ कंडीशन जिसे कानून द्वारा पहले ही अमान्य घोषित कर दिया गया है, उस कंडीशन को यदि आप मेंशन करके प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो तो ऑलरेडी पहले से ही अमान्य है। ठीक है, तो फॉरबिडन बाय एनी लॉ, यानी जिसे किसी कानून द्वारा पहले से ही अमान्य, ठीक, अमान्य घोषित या अवैध घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे जो भी कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली वहीं पे लैप्स हो जाएंगे, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैलिड रहेगा लेकिन वो कंडीशन शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफिएट प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। डिफिएट प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मतलब आपने कुछ ऐसा कंडीशन मेंशन कर दिया जो किसी कानूनी नियम अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन मतलब समझ रहे हैं कि कोई जैसे आपका एक ऐसा कंडीशन आपने मेंशन कर दिया जो कानून में एक प्रावधान है, या जैसे समझ लीजिए संविधान में कोई अनुच्छेद है उसका उल्लंघन कर रहा है। हम पढ़ते हैं ना कि कोई भी जैसे मौलिक अधिकार कैसे पढ़ते हैं कि इस संविधान का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, वैसा ही है। ठीक, यदि आपने कुछ ऐसा कंडीशन लगा दिया जो कानून में जो उसके नियम अधिनियम है उसका उल्लंघन कर रहा है, तो वो कंडीशन भी ऑटोमेटिकली वहीं पे शून्य हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा लेकिन कंडीशन वहीं पे वॉइड हो जाएगी। ये दोनों अलग है, देखिए फॉरबिडन बाय एनी लॉ या डिफिएट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। फॉरबिडन बाय एनी लॉ का मतलब क्या है, फॉरबिडन बाय एनी लॉ का मतलब है कि जिसे कानून ने पहले से ही अवैध घोषित कर दिया है। डिफिएट प्रोविजन ऑफ एनी लॉ का मतलब ये है कि जिस कंडीशन आपने लगाया लेकिन वो कंडीशन कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट आपका फ्रॉड यानी धोखाधड़ी के केस में, उसका तो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। धोखाधड़ी के केस में अगर आपने कोई ऐसा कंडीशन लगाया कि जहां पे लग रहा है कानून को कि आपने धोखाधड़ी किया है, तो कंडीशन वहीं पे जीरो हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो है प्रॉपर्टी वहीं पे ट्रांसफर जो उसका वैलिड है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंजरी और इमोरल। इंजरी और इमोरल इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल, यदि आपसे वो बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, तुम जा करके उसे चाकू से मार दो। ठीक, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सामने वाले को मारना यानी इंजरी करने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो शर्त रखा गया कि चाकू से जाके मार दो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, तो ये कंडीशन भी शून्य हो जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल रहेगी। दूसरा इमोरल, यानी एक महिला को ये कह दिया तुमने कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तुम ऐसा करो तुम अपने पति को तलाक दे दो, ये एक नैतिकता वाला केस है, तो इस कंडीशन में भी है ये जो कंडीशन आपका शून्य हो जाएगी। ठीक, तो इस ये जो आपका सेक्शन 25 है इसमें आपका कंडीशनल ट्रांसफर यानी सशर्त अंतरण के बारे में बताया जरूर गया है, लेकिन इस सशर्त अंतरण के अंतर्गत ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो कंडीशन है, इन कंडीशन किन किन कंडीशन को इसमें अमान्य माना जाएगा। ठीक, हम शुरू से कंडीशन ही पढ़ते आ रहे हैं लेकिन इसमें ये बताया गया है कि किस किस कंडीशन को इसमें अमान्य माना जाएगा। तो ये सेक्शन 25 हो गया। अब देखिए सेक्शन 41 ट्रांसफर्ड बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है आपका दृश्यमान या दिखावटी स्वामी, दृश्यमान या आपका दिखावटी स्वामी। देखिए प्रॉपर्टी का
मतलब ऐसा स्वामी जो एक प्रॉपर्टी है उसका मालिक, जो देखने में तो लग रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है लेकिन एक्चुअली में वह उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता। एक प्रॉपर्टी है जिसमें देखने पे तो लग रहा है सामने वाले को कि वो आदमी ही उस प्रॉपर्टी का मालिक है लेकिन एक्चुअली में वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता। बताता हूँ, देखिए रियल इस्टेट के केस में अक्सर आप लोग को ये दिखना देखने के लिए मिलता होगा। रियल इस्टेट के केस में क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, रियल इस्टेट जो बड़े बड़े आपके बिल्डर्स हैं वो जो प्रॉपर्टी है किसी और के नाम पे खरीद लेते हैं, पैसा इन्हीं का रहता है रियल इस्टेट वालों का, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे खरीद लेते हैं, किसी और को मालिक बना देते हैं। ठीक, किसी और को मालिक बना देते हैं लेकिन जो भी उसकी खरीदी बिक्री है वो कौन करते हैं, रियल इस्टेट वाले, लेकिन एक्चुअली मालिक कौन है, कोई और है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, देखिए ये रियल इस्टेट वाला है, रियल इस्टेट वाला एक व्यक्ति है जिसके घर में एक नौकर है जिसका नाम है रामू। ठीक, एक नौकर है जिसका नाम है रामू, तो इसने क्या किया, अपने इस नौकर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक, और इस रामू से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जिसमें ये मेंशन है कि जो ये रियल ऑनर कौन है, रियल ऑनर है रामू, लेकिन उसने एक डॉक्यूमेंट भी साइन कराया है कि इसकी जितनी भी खरीदी बिक्री के जो अधिकार है, खरीदी बिक्री के अधिकार किसके पास रहेंगे, उसके मालिक यानी जिसकी रियल इस्टेट है उसके पास रहेगा खरीदी बिक्री का अधिकार। ठीक, यानी इसने ये अपना इसने जो अपनी अधिकार किस आधार पे दिए, गुड फेथ, क्योंकि उसे विश्वास है कि ये किसी भी प्रकार का गलत नहीं होने देगा। देखिए वो अलग कॉन्सेप्ट है कि रियल इस्टेट के केस में कई ठोक आपके धोखाधड़ी वाले खरीदी बिक्री होते हैं, वो अलग कंडीशन है, उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसे एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये ऑस्टेंसिबल ओनर होता क्या है। ऑस्टेंसिबल ओनर के केस में जो रियल ओनर है, जो मतलब इसका एक्चुअली जो स्वामित्व है या जो एक्चुअली जिसके नाम पर है वो प्रॉपर्टी, उसने गुड फेथ यानी एक सदाचार एक सद्भावना के आधार पर कि उसे विश्वास है इस आदमी के ऊपर कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का जो अंतरण ट्रांसफर करने खरीदी बिक्री का अधिकार मैं इस व्यक्ति को दे रहा हूं क्योंकि मुझे इस पर विश्वास है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, रियल ओनर की सहमति से ये जो अधिकार है, अधिकार मतलब कौन से अधिकार, खरीदी बिक्री के अधिकार, ये ट्रांसफर हो रहे हैं आपके ऑस्टेंसिबल ओनर को। ठीक, दूसरी चीज यानी इसने अधिकार दे दिया रामू यानी नौकर ने यह अधिकार दे दिया अपने मालिक को कि आप मेरे नाम से प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं। पैसा किसका रहेगा, रियल इस्टेट वाले का, नाम किसका रहेगा, उसके नौकर का। तो देखिए उसने ऑलरेडी अपना अधिकार ट्रांसफर कर दिया है, तो ट्रांसफर होने के बाद वो किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकता। ट्रांसफर होने के बाद इन फ्यूचर वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकता या कोर्ट में इसे चुनौती नहीं दे सकता कि मैं रियल मालिक हूँ ना, मुझे क्यों मतलब मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। उसका क्या कारण रहता है कि जैसे ही ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, जैसे रियल इस्टेट वाले ने मान लीजिए समझ लीजिए कि ये अपनी प्रॉपर्टी जो है जो इसके नाम पर है, रामू के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसे किसी और को बेच दी। अब रामू चाहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को वापस चाहता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी वापस नहीं होगा क्योंकि इसने अपना ऑस्टेंसिबल ओनर यानी अपने अधिकार ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखे थे रियल इस्टेट वाले को, और जो ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसने सारे के सारे दस्तावेज चेक कर लिए थे। जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर कर जिसके पास किया गया है वो ऑलरेडी इसने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए है जिसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जो रियल आपका इसका जो ओनर है उसने अपने सारे के सारे अधिकार दे रखे है किसे, ऑस्टेंसिबल ओनर को। तो ठीक है, इन फ्यूचर वो किसी प्रकार का आपका क्लेम नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे चीजें इसमें बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक डेफिनेशन मतलब एक एग्जाम्पल आप लोगों को और बता देता हूं। मान लीजिए आप जैसे आप अपने घर में आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो आपके फादर खरीदते हैं, तो आपके फादर कौन है, ऑस्टेंसिबल ओनर यानी दिखावटी मालिक। प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, आपके नाम पे है, लेकिन उसकी खरीदी बिक्री का अधिकार अभी भी किसके पास है, आपके पापा के पास है। तो आपके पापा जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है और आप जो है वो है आपके मतलब आप रियल ओनर है। देखिए इसमें एक चीज और मेंशन है कि सेक्शन 41 के अंतर्गत अवयस्क व्यक्ति के लिए इनवैलिड रहता है, जो आप और आपके पिताजी के मध्य जो आपका ये जो खरीदी बिक्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आपके जो बिहाफ में आपके पिताजी खरीदी बिक्री करते हैं वो दूसरे एक्ट के अंतर्गत कवर होता है। लेकिन एक एग्जांपल में याद रखिएगा कि आपके नाम पे जो खरीदी बिक्री हो रहा है वो आपके पिताजी कर रहे हैं, तो आपके पिताजी ऑस्टेंसिबल ओनर है, आप रियल ओनर है, आपने एक गुड फेथ में अपने सारे के सारे अधिकार किसे दे रखा है, अपने पिताजी को, यानी आपको मालूम है कि मेरे पिताजी किसी प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये है आपका गुड फेथ, तो ये सारे के सारे अधिकार अपने अपने पिताजी को ट्रांसफर
करके रखा है तो वो सारे के सारे खरीदी बिक्री कर रहे हैं, आप है रियल ऑनर, आपके पिताजी है एक्सटेंसिबल ऑनर। ठीक, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है देखिए आज का वीडियो में आपका थोड़ा आवाज आगे पीछे हो सकता है, उसका कारण है कि मेरा माइक खराब हो गया है, नया माइक मैंने मंगाया है, माइक आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो आज के दिन थोड़ा उसे जैसे भी करके थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा आवाज, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आवाज आगे पीछे हुआ होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। वीडियो आएगा, थोड़ा टाइम से आएगा, अच्छे से समझ करके मैं जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा तब तक आप लोगों को बताऊंगा नहीं, तो वीडियो आने में भले टाइम लग सकता है लेकिन आपको अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।